राजस्थान में एक तरफ महामारी ने अपना कहर बरपाया है तो दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी में भी दंगल छिड़ा हुआ है। राजस्थान में वसुंधरा खेमे ने बीजेपी में आलाकमान के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। वसुंधरा समर्थकों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर केंद्रीय बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में महामारी के कोहराम के बीच सियासत भी खूब हो रही है। पिछले काफी समय से राजस्थान बीजेपी में जमकर गुटबाजी की खबरें आ रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का खेमा लगातार केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें आईं कि वसुंधरा खेमा बीजेपी से अलग हो सकता है और राज्य में नई पार्टी बन सकती है, जिसके कारण राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर निशाना साधा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजाल, भवानी सिंह रजावत, विद्याशंकर नंदावाल ने आरोप लगाए कि जो इंजेक्शन जरूरतमंद मरीजों को बिना किसी भेदभाव के लगाए जाने चाहिए वो कोटा के दो प्रभावशाली नेताओं के यहाँ से जारी लिस्ट के आधार पर लगाए जा रहे हैं। इस पर एक नेता राज्य सरकार से जुड़ा है तो दूसरा केंद्र में बड़ा नाम रखता है। इस बयान के बाद राजस्थान में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अब राजस्थान में बीजेपी की फसियत होने लगी है। इन्हीं नेताओं ने ही कोटा में चिंतन शिविर आयोजित कर खुद अपनी पार्टी पर आरोप लगाया था कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को पार्टी से अब अलग थलग किया जा रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।